नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जमीन मापी को लेकर। बिहार में जमीन के सबसे ज़्यादा विवादित मामले हैं, ऐसे में अब बिहार सरकार जमीन के मामलों को सुलझाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में चकबंदी से लेकर जमीन की मापी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जमीन की मापी के दौरान कर्मचारी को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्शा भी दिखाना होगा, लिहाजा अमीन अब जमीन मापी में गड़बड़ी कर विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि मापी के लिए उन्हें हर हाल में सरकारी नक्शा लेकर जाना होगा। सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लेकर जमीन के नक्शे की होम डिलीवरी भी जल्द से शुरू कराई जाएगी। विभाग के मंत्री हर सप्ताह 5 दिन लोगों से मिलकर उसकी समस्याएं भी सुनेंगे। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए और समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही कहा कि सभी अंचलों में जमीन का नक्शा 2-2 प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा। सभी अमीन सरकारी नक्शा लेकर ही जमीन की मापी करने स्थल पर जाएंगे। उन्होंने विभाग के निदेशक जय सिंह को यह आदेश दिया कि सर्वे कैंप कार्यालय के कार्यों का फीडबैक लेकर मुख्यालय को भी उपलब्ध कराएं। इससे पहले साल 2020 में भी बिहार सरकार ने जमीन मापी के लिए नई मशीन खरीदने की बात कही थी। इस मशीन के माध्यम से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर जमीन मापने की बात कही गई थी। कहा गया था कि इस मशीन में GPS लगा होगा जिसके माध्यम से एक साथ 50 प्लॉटों की मापी की जा सकेगी। मापी के लिए उपयोग की जाने वाली नई मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। सरकार जल्द ही मशीन खरीदेगी और सभी अंचलों में भेजेगी। उस समय यह भी कहा गया था कि इसके मापी का काम भी तेजी से होगा, साथ ही किसी भी गड़बड़ी और शिकायत नहीं होगी। इस मशीन की माप में अमीन किसी जमीन का हेर फेर नहीं कर पाएंगे। इधर सरकार का मानना है कि राज्य में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं जमीनी विवाद के कारण होती है, जिसमें जमीन की मापी की समस्या एक बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस कमी को दूर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि देश में कई राज्य हैं जो इस नई तकनीक के माध्यम से जमीन की मापी कर रहे हैं। मशीन से मापी को लेकर बोलते हुए उस समय के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में आज़ादी से पहले से ही जरीब के से जमीन की मापी होती थी, जिससे रिकॉर्ड दुरुस्त करने में समय लगता था। कई बार गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आती थी। कागजी दस्तावेजों में दर्ज भूमि कुछ है और असल कुछ और जमीन मापी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए अत्याधुनिक प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी कि जो मशीन की खरीद की जा रही है। राज्य में अमीन अब जरीब के जगह ETS से मापी का काम करेंगे। इसके लिए सभी कार्यालयों में ETS उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे पहले सर्वे मशीन इसकी व्यवस्था की जाएगी। आगे सभी 334 अंचलों में भी इसकी व्यवस्था होगी। फिलहाल सरकार ने जमीन के विवादों के मामलों को जल्द से निपटारा करने की ज़रूरत है। खैर, बिहार सरकार इस ओर कार्य भी कर रही है। तो ये थी जमीन से मापी की खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।